नमस्कार दोस्तों, मैं आयशा स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप बिना किसी फालतू ऐप के किस तरीके से अपनी पर्सनल व्हाट्सअप चैट्स को हैड कर सकते हैं। गाइज, हमने कई बार ऐसा देखा है कि हमें व्हाट्सअप पर, खास करके व्हाट्सअप पर ही अगर हमें चैट्स वगैरह कुछ हाइड करना होता है तो हमें तरह तरह के ऐप्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, जिससे कि हमारा स्टोरेज फुल होता है और कोई फ़ायदा भी नहीं होता क्योंकि उसमें पैटर्न वगैरह लगते हैं, तो पैटर्न तो हर कोई पता कर ही लेता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर हम व्हाट्सअप पर अपना फिंगरप्रिंट कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम अपना व्हाट्सअप ओपन कर लेते हैं। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर जो तीन डॉटेड्स दिखाई दे रहे हैं, हम तीन डॉटेड्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हमें जाना होगा अकाउंट पर। जी हाँ दोस्तों, आप पहले ध्यान से देख लें कि हम व्हाट्सअप ओपन करेंगे। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद थ्री डॉटेड्स में जाएंगे, फिर उसके बाद सेटिंग्स में जाकर अकाउंट ओपन कर लेंगे गाइज। उसके बाद हमें जाना होगा प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जाने के बाद हमें गाइस, सबसे पहले तो आप ध्यान दें कि अगर आपका व्हाट्सअप अपडेट नहीं है तो ये वर्ज़न आप में नहीं आएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्ज़न है और अभी हाल फिलहाल में ही अपडेट हुआ है व्हाट्सअप पर। तो गाइस प्लीज़ पहले आप अपना व्हाट्सअप ओपन करें और उसको अपडेट करें, या तो फिर नया व्हाट्सअप डाउनलोड कर लें। उसके बाद हम जाएंगे फिंगरप्रिंट लॉग में। गाइज हम देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है फिंगरप्रिंट लॉग, सबसे नीचे में हम उस पर क्लिक करेंगे। गाइज मैंने अभी व्हाट्सएप पर कोई भी फिंगरप्रिंट अपना नहीं लगा रखा है। उसके बाद से हम फिंगरप्रिंट को ओपन कर लेंगे। ये अभी ओपन करने के जस्ट बाद ये हमसे हमारा फिंगर मांगेगा, तो हम अपने कैमरा पर जाकर जैसे फिंगरप्रिंट लगाते हैं अपने फ़ोन में वैसे ही लगा लेंगे। अब आपको इसमें आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि कितने मिनट के बाद आपको आपका फिंगरप्रिंट चाहिए होगा, 30 मिनट्स के बाद, 1 मिनट के बाद, या फिर जब जब आप व्हाट्सएप से बाहर जाएं तब तब आपको फिंगरप्रिंट चाहिए। तो मैंने सबसे पहला वाला क्लिक कर लिया है। उसके बाद हम इसको बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद अब चलिए दोस्तों फिर से हम व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। गाइज अब ये फिर से मुझसे मेरा फिंगरप्रिंट मांगेगा, क्योंकि अब ये बिना फिंगरप्रिंट के हमारा व्हाट्सएप ओपन नहीं होगा। अब हमारा साफ तौर तरीके से अब हमारा जो है वो व्हाट्सएप हाइड हो चुका है और बिना हमारी मर्ज़ी के कोई भी हमसे हमारा व्हाट्सएप ओपन नहीं करवा सकता। गाइज ये देख सकते हैं कि अगर मैं बार बार भी ओपन कर रही हूँ तो ये बार बार मुझसे मेरा फिंगरप्रिंट मांग रहा है। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर तुरंत बताएं, और तब तक के लिए दोस्तों अगर आप ऐसे ही टेक्नोलॉजी के बारे में नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें।